तुम ही हो। जान वाले आ तू तड़पाया, लौट के फिर तू कदे ना आया, अखां दे नाल दिल नूं रुलाया, बड़ा सताया तू, याद तेरी बस आंदी जा। सो ही गाइस, लेकर आ चुका हूँ और एक धासो रीडिंग ट्यूटोरियल। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कैसे आप प्रोफेशनल तरीके से बीट सैनिक प्लस कलर ग्रेडिंग को ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो बीट सैनिक के लिए चाहिए आपको VNF एंड कलर ग्रेडिंग के लिए चाहिए आपको फ्रीकोएल। अगर ये दोनों ऐप नहीं है तो इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को देखते तो हो बट यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, क्यों ऐसा करते हो ये तो पता नहीं। बैठ यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार अपना भाई समझ कर, क्योंकि आप लोग एक सब्सक्राइबर से हम लोगों को बहुत मोटिवेट मिलता है और एक वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों, VNF को ओपन करने के बाद आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन जो लास्ट में वाटरमार्क रहेगा उसको आपको डिलीट कर देना है। एंड उसके बाद आपको लेयर आइकन पर क्लिक करके जो थंडर PNG का वीडियो है उसको आपको ऐड कर लेना है। एंड इसका भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड इसको आपको सही से एडजस्ट कर लेना है ऊपर में, ठीक है। एंड दोस्तों, आपको तो पता है कि कैसे इसको आपको ऐड करना है। एंड दोस्तों, अगर नहीं पता तो इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना वीडियो को, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ कि कैसे इसको ऐड करना है, ठीक है। एंड दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपको एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है कि क्या पर गलती तो नहीं है। एंड देन दोस्तों, जो थंडर PNG का लेंथ है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसके लिए इसको आपको डुप्लीकेट लेयर करना है। एंड देन जो ऊपर का पार्ट है उसको आपको पीछे की तरफ ले जाना है, एंड देन आपको बीच में आना है, एंड जो आगे का पार्ट है उसको आपको स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। एंड दोस्तों, उसके बाद आपको अपने वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है। एंड वीडियो को सेव करने के बाद इसको आपको प्रीक्वल ऐप में ले जाना है कलर ग्रेडिंग के लिए। एंड आपको ध्यान रहे कि आपका जो मोबाइल नेट है वो ऑन रहे, क्योंकि प्रीक्वल ऐप एक ऑनलाइन ऐप है। एंड देन जिस वीडियो का हमने अभी VNF के अंदर सेव किया उस वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको फिल्टर के सेक्शन में चले जाना है, एंड जाकर आपको एक EDG लिखकर फिल्टर मिल जाएगा, EDGY, ठीक है। एंड इसका जो फिल्टर्स का लेंथ रहेगा उसको आपको कर देना है 18 या 20 के आसपास, एंड जो सर्वर रहेगा उसको आपको +4 के आसपास रख देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको चला जाना है एडजस्टमेंट में। एंड एडजस्टमेंट में जाने के बाद जो इसका सिचुएशन रहेगा उसको आपको -100 कर देना है, एंड जो टेम्परेचर रहेगा उसको भी आपको -100 कर देना है। एंड उसके बाद जो टिंट रहेगा उसको आपको -40 कर देना है, एंड देन जो सरफेस रहेगा उसको आपको +2 कर देना है, एंड कलर को +5 के आसपास रख देना है, एंड बिगनेट रहेगा उसको आपको 7 के आसपास कर देना है। एंड जो लास्ट में आता है फीस आए, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको इंक्रीज कर सकते हो अगर आपका मन चाहिए तो, क्योंकि फीस आई में क्या होता है, हमारे वीडियो का जो वाइड एंगल होता है ना, वाइड एंगल वो यहाँ पे इसको ला देता है। अगर आप इसको मेहनत करेंगे तो आपका वीडियो में वाइड एंगल यहाँ पे ला देता है। तो आपका अगर इसको अच्छा लगा तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। एंड उसके बाद आपको चला जाना है इफेक्ट के सेक्शन में, एंड जाने के बाद आपको यहाँ पे एक लवली लिखकर फिल्टर मिल जाएगा, ठीक है। एंड लवली में जाकर आपको विंटर में जाना है, ठीक है। विंटर में जाकर जो वहाँ पे स्नो इफेक्ट है उसको आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो विंटर में जाकर उसका जो 2 नंबर फिल्टर से वहाँ पे आपको जाना है। एंड देन जो इस फिल्टर का लेंथ रहेगा उसको आपको पूरा फुल माइनस कर देना है, ठीक है। एंड फुल माइनस कर देने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रीक्वल ऐप का अंदर काम था वो कम्प्लीट हो चुका है, तो इसको आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड देन आपको फिर से चला जाना है VNF के अंदर, एंड फिर से आपको और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। एंड जिस वीडियो का हमने अभी प्रीक्वल के अंदर सेव किया था उसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। वीडियो को ऐड करने के बाद लास्ट में जो वाटरमार्क है उसको आपको डिलीट कर लेना है, ठीक है। एंड देन आपको चला जाना है लेयर आइकन में, एंड उसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज PNG का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उसको भी आपको ऐड कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है, एंड देन जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसको आपको सही से अपना स्काई में एडजस्ट करना है, ठीक है, मतलब ऊपर में। एंड दोस्तों, अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपने जिस वीडियो का अभी ऐड किया उसके ऊपर आपको क्लिक करके इस वीडियो को एक्स्ट्रा रेडियो कर लेना है, एंड देन आपको सॉन्ग के ऊपर क्लिक करके बीट मार्क को ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर आप बीट मार्क को नहीं ऐड करेंगे तो अपना वीडियो उतना ज़्यादा अच्छा एंड प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे, तो आपको सही से बीट मार्क को ऐड कर लेना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे सॉन्ग को प्ले करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे बीट मार्क कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं फिर से वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ। एंड दोस्तों, बिटमार्क को अच्छी तरीके से ऐड करने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है,
एंड इसके बाद आपने वीडियो को बीट मार्क के अनुसार कट करना है, ठीक है, मतलब जहाँ पे बीट मार्क है उसका थोड़ा सा आगे कट करना है, थोड़ा सा आगे, ठीक है। एंड ऐसे करके आपने वीडियो को पूरा कट कर लेना है, मतलब जितने आप बीट मार्क लगाए हो उतना आपको अपने वीडियो को कट कर लेना है। सो मैं यहाँ पे फिर से वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, नहीं तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको चला जाना है इफेक्ट्स में, एंड उसके बाद अपने वीडियो क्लिप में जो इफेक्ट है उसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी अपना मन पसंद इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों आपको फर्स्ट एंड सेकंड में बीट आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एंड जो थर्ड है उसमें आपको वाटर ड्रॉप आएगा। सो दोस्तों आप फर्स्ट एंड सेकंड में आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, एंड थर्ड में आपको लगाना है फ्लिकर इफेक्ट, मतलब उसमें जो वाटर ड्रॉप है वो अच्छा आएगा। एंड दोस्तों अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जब वीडियो को एडिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पे वाटर ड्रॉप आ रहा है और कहाँ पे बीट आ रहा है। एंड आप चाहो तो मेरे वीडियो को देखकर भी एडिटिंग कर सकते हो। सो दोस्तों इसी तरीके से अपना वीडियो में जो सेक इफेक्ट है उसको आपको यूज़ कर लेना है। एंड देन इफेक्ट को लगाने के बाद हमारे वीडियो में ये रिजल्ट आया। एंड दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक ही है, बट फर्स्ट में थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट में आना है। एंड आने के बाद आपको इस वाले प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपना वीडियो में जो ब्लैक फेड है उसको आपको यूज़ कर लेना है। इससे ये होगा अपना वीडियो में जो एस्थेटिक लुक है वो और भी ज़्यादा मतलब आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हो जाने के बाद हमारा वीडियो तैयार हो चुका है इंस्टाग्राम रील्स में अपलोड करने के लिए। एंड दोस्तों कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बता देना, अगर कोई भी दिक्कत आता है वो भी कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए फिर से इस टॉपिक के ऊपर और एक ट्यूटोरियल ला दूंगा। एंड दोस्तों जिस भाई भी मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो उसको बता रहा हूँ यार दिल से थैंक यू।